नमस्कार, विवेक गुप्ता सिर्फ MBBS कंसल्टेंट नहीं, करियर कंसल्टेंट, और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नीट अभी समय है, लेकिन यू नो मेरे पास भी फ़ोन्स आते हैं, लोग मिलने आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर कॉलेज में सीट शायद दिलवा ही देंगे, और मैं उन्हें हमेशा समझाता हूँ कि सीट्स तो मोस्टली काउंसलिंग से मिलती है, और जहाँ सीट काउंसलिंग के अलावा मिल सकती है वो एक सेट कॉलेजेस हैं, वो सेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका कारण है कि वो क्यों मिल रही हैं। और ये जो सीट मिलने का अभी प्रोसेस था, ये धीरे धीरे हर साल बदलता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है। सो 5 साल पहले शायद बहुत सारी, या मैं कहूँ मोटा मोटी हिंदुस्तान में शायद 15% सीटें ऐसी थी जो कि बिना मेरिट के भी मिल जाती थी, स्पेशली जो MCC डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराती है, और उसकी जो NRI सीटें होती थी वो सब 2021-22 तक मोस्टली मिल जाती थी डायरेक्ट बात करके कॉलेजेस से। और जैसे जैसे रूल चेंज हो गए हैं वैसे वैसे वो सीट्स मिलना बंद हो गई हैं। तो आज हम, मैं ये समझाना चाहता हूँ, आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि देखिए, डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया में बहुत सारी हैं, बट उसमें से 51 होती है जिनकी काउंसलिंग MCC करती है। इन्हीं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि एक जनरल सीट होती है और एक NRI सीट होती है 15%। अदर देन फ्यू कॉलेजेस जैसे कर्नाटका के कुछ डीम्ड है जिसमें कर्नाटका का स्टेट कोटा होता है, लेकिन मोस्टली ये जो MCC द्वारा की गई काउंसलिंग की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, जो कि फिक्स हैं, जिसमें जर्नल और NRI सीट होती है। 3 साल पहले क्या था कि NRI सीटें जो 15% होती थी, समझ लीजिए कस्तूरबा जैसे कॉलेज में 250 में से 37 सीटें होंगी, राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, राउंड 3 जिसे मॉपअप कहते थे, तब तक ये वेट किया जाता था, और राउंड 3 ख़त्म होने के बाद चौथे राउंड में जिसे स्ट्रे मॉपअप कहते थे ये सीटें बन जाती थी नॉर्मल सीट, और वो चौथा राउंड होता था लास्ट में जाके, वो होता था इन्हीं 51 कॉलेजेस के अंदर। तो कस्तूरबा मणिपाल में, होता था, कस्तूरबा मैंगलोर, में होता था, MMU मुलाना, में होता था, संतोष मेडिकल गाज़ियाबाद में होता था, हमदर्द में होता था, भारतीय दृढ़ पुणे वहाँ होता था, सांगली में, DY पाटिल पुणे, DY पाटिल में होता था, JSS मैसूर में होता था, इतना डिटेल था। फिर सबसे बड़ा चेंज हुआ कि NRI सीटें राउंड 3 के बाद नहीं, राउंड 3 के दौरान ही चेंज हो जाएंगी। तो मैं हमेशा समझाता हूँ 2022 से क्या होना शुरू हुआ कि अगर अभी भी 20 NRI सीटें बची हुई हैं और जनरल सीटें खाली 22 बची थी ड्यूरिंग राउंड 3, और अप्लीकेशन NRI की तरफ से खाली 2 आई, तो वो 20 - 2 18 सीटें राउंड 3 के दौरान ही उसको नॉर्मल सीट बना के नॉर्मल बच्चों को एलोकेट कर दिया गया। और राउंड 3 तो ऑनलाइन ही चल रहा है, उसको मिल गई सीटें, लोगों ने एलोकेशन ले लिया, फिर लोगों ने सीट बुकिंग करना शुरू करा, सीट ब्लॉकिंग करना शुरू करा जब ये रूल आया था 2022 में, तो ब्लॉकेज हुआ ताकि एटलीस्ट राउंड 4 में सीट फिर भी कॉलेज तक पहुंच जाए। कई इन कॉलेजेस ने ऐसा करा जिसको हमने ब्लॉकेज बोला, खर्चा भी हुआ उसमें, क्योंकि जब आप राउंड 3 में ऐसे ब्लॉक करते हो तो जो MCC की 2 लाख की फीस है वो ख़राब हुई, उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ी। अब 2023 में एक और नया रूल आ गया और सख्ती आ गई कि राउंड 4 भी ऑनलाइन होगा, विच मीन्स ब्लॉकेज का भी फ़ायदा नहीं है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि अब कॉलेज के हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं ना। राउंड 4 भी ऑनलाइन कंप्यूटर कर रहा है, कंप्यूटर में सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको सीट मिल जाएगी। हाँ, राउंड 2023 में ये ज़रूर हुआ कि जो पेशेंस से बैठा रहा राउंड 4 तक इंतज़ार करता रहा, तो राउंड 4 में ऐसा हुआ कि सीट उसको मिल गई, क्योंकि वो राउंड 4 तक वेट कर रहा था। और मैं हमेशा समझाता हूँ कि राउंड 4 MCC का मतलब ये है कि MCC के राउंड 3 ख़त्म हो चुके हैं, सारे स्टेट्स के राउंड 3 ख़त्म हो चुके हैं, 90% बच्चे सीट्स ले चुके हैं, तो तब तक जो वेट कर रहा है उसको राउंड 4 में सीट मिली। और बिल्कुल लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मेरे स्टूडेंट को ही अमृता फरीदाबाद मिला राउंड 4 में, क्योंकि वो तब तक वेट कर रहा था, उसने डिसाइड कर लिया था कि सर या तो अमृता जाऊँगा या मैं ड्रॉप कर लूँगा। अक्सर ऐसे बच्चों की लॉटरी लग जाती है राउंड 4 में। मैं हमेशा समझाता हूँ कि राउंड 4 तक कौन वेट करे जो ड्रॉप करने को तैयार है, या वो ये सोचने को तैयार है कि राउंड 4 में मैं ये नहीं मिलेगा तो कुछ भी ले लूँगा, लेकिन दैट इज़ माई वेरी पसंदीदा चीज़। तो एज ऑफ 2023 का रूल जिसमें राउंड 4 भी ऑनलाइन हुआ है, इस समय कोई भी एजेंट आपको प्रॉमिस कर रहा है तीनों मणिपाल कैंपसेस, कस्तूरबा मणिपाल, मैंगलोर जमशेदपुर, 9 से स्टार्ट करते हैं, MMU मौलाना, जामिया हमदर्द इंस्टीट्यूट दिल्ली, संतोष, उसके बाद MMU मौलाना हो गया, अमृता फरीदाबाद, फिर SKBS वडोदरा, यही 5 है जो नॉर्थ में है, फिर महाराष्ट्र की सारी तीनों, DY पाटिल, दोनों भारतीय विद्यापीठ, MGM तीनों, सिम्बियोसिस, और कौन सी है डीम्ड, दत्ता मेघे, और वो जो हमेशा नाम भूल जाता हूँ जो अहमदनगर में है,
फिर राजो कर्नाटका में, जीएसएस मैसूर, जेलन बेलागावी, कस्तूरबा के दोनों कैंपस, यनो पोया और जितने जो एमसीसी कराती है, अमृता कोची, तमिलनाडु में आ जाओ तो एस आर एम, श्री रामचंद्र, फॉर दैट मैटर सत्यासाई। देखिए लोग ले नहीं रहे इसलिए आपको मिल जाए बात चला गया, या सत्यासाई या भारत हमेशा करते हैं कि राउंड वन टू में एक ऑफर करते हैं डिस्काउंट ऑन देयर फीस, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि हमारी सीटें पता नहीं लास्ट में भरे ना भरे, स्पेशली 2022 में थोड़ा मामला टाइट हो गया था। पर जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है, जो कि एग्जैक्टली 51 होती हैं लिस्ट में, उनमें इस समय किसी के साथ भी आप कमिटमेंट नहीं ले सकते कि आपको सीट पक्का मिल जाएगी। इस मेरी बात का आप ध्यान रखिए, उसके हिसाब से आप अपना एक्शन लीजिए, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी आपको ये पक्का बोले कि भाई यहाँ से पक्का मिल जाएगी, वहाँ से पक्का मिल जाएगी, कर्नाटका के एस हेगड़े भी उसी में आता है, जे जी एम एम कर्नाटका, बी एल डी बीजापुर, राजराजेश्वरी बेंगलोर, एस डी यू कोल्लार, श्री सिद्धार्था के दोनों कैंपस, एम जी एम ने आपको बताया दिया, डी वाई पाटिल, रूरल मेडिकल कॉलेज था वो लोनी वाला, दत्ता मागे दोनों, उड़ीसा के दोनों कलिंग और आई एम एस, पौंडीचेरी के पांचों, महात्मा गांधी, आरू पड्डई, श्री लक्ष्मी नारायणा, और तमिलनाडु के बहुत सारे, वेल्स, विनायक मिशन, चेतीनाथ, श्री बालाजी, टोटल ये 51 बैठती हैं। और जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी आपको, अगर 2023 का रूल रिवर्स नहीं हुआ, अगर वाकई रिवर्स हो गया, जब ब्रोशर आएगा एमसीसी काउंसलिंग का कि भाई राउंड फोर फिर से कॉलेज लेवल पर होगा, या एनआरआई की सीट कन्वर्ट बाद में होंगी, या कॉलेज लेवल पे तो कम से कम राउंड हो, ऑनलाइन राउंड हो रहा है, तो सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि आप, मैंने बोला अपने रिस्क पे आप सीट ब्लॉकेज कर सकते हैं, वो आप ही एक अच्छा काउंसलर आपको ट्रांसपेरेंटली बताता है, आपकी मदद कर सकता है कि ठीक है जी राउंड तीन में हम ये देख रहे हैं कि इतनी सीटें हैं, हमने ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को भरवा दिया फॉर्म, उन्होंने सीट ख़राब कर दी, ताकि राउंड फोर तक बात आ जाए। पर राउंड फोर में भी अगर हवा से टपक गए आपसे ज़्यादा नंबर वाले तो वो सीट ले जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो ये रिस्क भी लेते हैं, बिकॉज एज ए सेड कि किसी को रहता है कि नहीं मुझे यही कॉलेज चाहिए, नहीं तो मैं ड्रॉप कर लूँगा फॉर वट एवर रीज़न, या इन्हीं सेट ऑफ दो तीन कॉलेज चाहिए। बट इसके अलावा कोई आपको अभी ये बोले कि मैं आपको अमृता फरीदाबाद कमिट करता हूँ, या मैं आपको कस्तूरबा कमिट करता हूँ, या मैं आपको डी वाई पाटिल कमिट करता हूँ फॉर जनरल सीट, जहाँ तक बात एन आर आई की आती है, वो आपको एन आर आई का फॉर्म भरना है, एन आर आई के पेपर लगाने हैं। इन सब 51 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ब्लड रिलेशन एन आर आई के पेपर चलते हैं, विच मीन्स बच्चे के पेरेंट्स या सगा चाचा, सगा ताऊ, सगी बुआ, सगा मामा या सगा मौसी, मतलब मम्मी के सगे भाई बहन, पापा के सगे भाई बहन, या उन सगे भाई बहन के बच्चे, सगा दादा दादी, नाना नानी, इनमें से एक एन आर आई होना चाहिए, एन आर आई के प्रॉपर पेपर लगेंगे। लेकिन एन आर आई एज ए गार्जियन इस एम सी सी काउंसलिंग में नहीं चलते, जो कि जैसे मेरे को बताया था मध्य प्रदेश में चल जाते हैं या कर्नाटका स्टेट में चल जाते हैं, बट एम सी सी काउंसलिंग में एन आर आई की डेफिनेशन भी आज तक बड़ी क्लियर है, फिर से चेंज हो जाए तो बात अलग है। तो जो लोग आपकी हेल्प कर पाते हैं वो यही होता है जी, एन आर आई के लोग ये कहेंगे एन आर आई के पेपर बनवा देंगे, पर पता चलेगा फिर वो पेपर भी रिजेक्ट हो गया जब आपने अप्लाई करा उस पेपर के थ्रू। हाँ, आपके पास खुद के पास जेन्युइन पेपर हैं फिर तो कम से कम नंबरों पे भी आपको एन आर आई फीस वाली सीट मिल जाएगी, और उसमें डेफिनेटली नेगोशिएशन भी काफ़ी इनमें से कॉलेजेस करते हैं, कस्तूरबा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट काफ़ी रिपोर्टेड कॉलेजेस हैं जो आपको डिस्काउंट दे देते हैं जो उनकी पब्लिश्ड एन आर आई फीस है, और वो कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है कि फीस डॉलर के बदले आप रुपीज़ में भेज दीजिए या रुपीज़ में हो जाएगा, वो सब कोऑर्डिनेशन हो जाता है, वो हम भी हेल्प करते हैं। लेकिन जनरल सीट बिना एन आर आई वाली कोई आपको कमिट कर रहा है तो उस कमिटमेंट में मत फंसिए, वो कमिटमेंट के नाम कि आप 10-20 लाख रुपये फालतू दे देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप राउंड फोर तक वेट कर रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहा होता एजेंट, वो बिजली सिर्फ आपके लिए एक चॉइस फिलिंग कर रहा है उस कॉलेज की, और अगर आपको लास्ट में सीट नहीं मिली वो हाथ जोड़ के आपकी फ़ीस वापस कर देता है। मेरे पास पेरेंट आते हैं कहते हैं सर देखो बंदा तो बढ़िया था, एक फ़ोन पे फीस वापस कर दी। मैं कहा सर सच्चाई ये है कि उसने तो कुछ करा ही नहीं आपके लिए, आप इस बात में भी खुश हो रहे हो कि हमारी फ़ीस जो हमने उसको दिए थे एक्स्ट्रा फीस वो उसने वापस कर दी थी, और बस अपने 50,000 रुपये काटे मेहनत के। मैंने कहा कंप्यूटर पे बैठे बैठे फॉर्म खोल के एक कॉलेज को भरने की फ़ीस आपने उसको 50,000 दे दी, क्योंकि उसने आपके लिए और कुछ नहीं करा था, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था, सिर्फ आपको ये तसल्ली दी कि आप बैठे रहो, आपका साल भी ख़राब हो गया, आपका ड्रॉप भी हो गया, चौथे मंथ तक आप बैठे रहे, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई आपने बैकअप रेडी नहीं रखा, कि वो आपको विश्वास से कहता रहा कि पक्का सीट लास्ट राउंड में तक तो पक्का मिल जाएगी सर, पक्का मिल जाएगी, और नहीं मिली तो अरे सर देखो रूल चेंज हो गया। बिल्कुल रूल चेंज हुआ, लेकिन वो रूल चेंज तो हमें शुरू से पता था काउंसलिंग के,
तो आपने प्लान बी प्लान सी क्यों नहीं बनाया कि चल यार थर्ड राउंड तक नहीं मिलती है, फोर्थ में भी नहीं मिलेगी, तो उनसे मुझे कोई और कॉलेज तो मिल जाए, उसे नहीं बनाया जाता। क्योंकि जैसे वो आपको बता देगा कि 100% गारंटी नहीं है, आपने जो उसे 15-20 लाख रुपये प्रॉमिस किए हैं आप नहीं दोगे, जिस तरह हम बता देते हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स को भी ना यही सुनना पसंद आता है कि पक्का काम हो जाएगा सर, पक्का, आप चिंता मत करो। जहाँ मैंने कह दिया कि सर हम तो आपके लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये डिटेल है, अगर आपकी किस्मत ख़राब रही और मैंने आपको 3 सीट ब्लॉक कर भी दी और चौथे राउंड में आपसे ऊपर 3 बच्चे आ गए तो आपको सीट नहीं मिलेगी, ये नहीं सुनना चाहते लोग। लोग ये सुनना चाहते हैं सर आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपको 100% सीट मिल जाएगी। और जो ये बोलता है उसकी बात आप ज़्यादा मानते हो और उसके हिसाब से आप ज़्यादा काम करना चाहते हो, तो सोच समझ के विचार कीजिएगा। काउंसलिंग अब स्टार्ट होने, अभी तो क्या नीट का पेपर होगा, लेकिन किन के हाथों में फंसो, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे लास्ट ईयर भी आए फोर्थ राउंड के बाद कि सर आप कुछ अप करवा सकते हो, और फिर आपको याद कीजिए बाई चांस वो जो स्पेशलिस्ट है हुआ था लास्ट ईयर जब बंगाल बिहार की या कुछ सीटें बच गई, तो उनमें से काफ़ी लोगों को मैंने एडजस्ट करवाया पर नेचुरल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, लेकिन वो बैठे रहे। देखिए मैं कह रहा हूँ वेट करने से या प्रेफर्ड कॉलेज तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन थर्ड राउंड तक, उसके बाद तो आपको देखना पड़ेगा ना कि चौथे राउंड में चलो ये भी हम देख रहे हैं बट हमें 2-3 और कॉलेज भी बैकअप लेके चलना है ना। या मैं हमेशा समझाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं कि हमेशा 1 to 10 का स्केल होता है, जैसे अमृता फरीदाबाद दिल्ली वाले रहनों के लिए आजकल मोस्ट फेवरेट बन गया आउट ऑफ 10। मैं कभी कभार कहता हूँ कि फरीदाबाद की वेट करोगे तो चौथे राउंड में मैं आपको ये दिलावा सकता हूँ, अभी ले लोगे तो ये मिल जाएगा, अभी आपके हाथ में, अब ये लेके साइड होना है फरीदाबाद की वेट करनी है और लास्ट तक वेट करने के चक्कर में आपको ये कॉलेज के बदले ये कॉलेज मिले। और जब मैं ऐसे बोलता हूँ आप समझते हो ना कि आई टॉक अबाउट अ ऑप्टिमल गुड क्वालिटी कॉलेज, तो वो भी पेरेंट्स को पता नहीं कितना समझ में आता है, पर शायद उनको वो ज़्यादा मज़ा आता है जब कोई उनको ये कहता है कि कन्फर्म है सर आप तो हमें PDC दे जाइए और जब सीट आपको मिल जाएगी तो हम आपका PDC कैश करा लेंगे, और नहीं हुआ तो अपना PDC वापस ले लीजिए सर, और जो हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है सर उसे 20-50 हज़ार रुपये दे दो, और लोग बोलते हैं अरे 15 लाख वापस मिल रहे हैं 50 हज़ार दे दो, जबकि सच्चाई ये है कि कोई कुछ काम आपके लिए हुआ ही नहीं। इन सब बातों का ध्यान रखिए और एक सही सटीक काउंसलिंग चाहते हैं जिसमें आपके बच्चे का साल ड्रॉप ना हो, कभी ऐसी सिचुएशन ना आए। तो आप जानते ही हैं 9643362320 इज़ अवर नंबर, ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, हमारे जितने MBBS के पैकेज उसका भी वीडियो है जो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी मैं समझाऊँ मोटा मोटी 4 ही हमारे पैकेज हैं, 30,000 रुपीज़ फॉर जब आपकी गवर्नमेंट सीट कन्फर्म है या आप एक ही अपने होम स्टेट का प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, 50,000 रुपये की फ़ीस है अगर आप 3 से 4 तक प्राइवेट स्टेट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हर एक स्टेट का हमें अलग काउंसलिंग करनी पड़ती है, 75,000 रुपये जब हम 6 से 7-8 जितनी मर्जी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, अक्सर ये वो लोग होते हैं जो केरला कर्नाटका छत्तीसगढ़ प्लस अपने आसपास के 5 स्टेट सब भर रहे हैं, और 1.5 लाख हम लेते हैं उन लोगों से जो NRI मैनेजमेंट सीट या कोई स्पेशल केस है, नंबर कम है और या उनके लिए हमें कोई नेगोशिएशन करनी है लास्ट में, मतलब फॉर वेरी स्पेशल केसेस 1.5 लाख बन जाता है। तो ये हमारे 4 पैकेज हैं, इन्हीं का और डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी एक वीडियो में है जो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।